कितने 15 क्वेश्चन हो गए, 12 है, 12 हमने कर लिया था, 13 है। तो 13 से टॉपिक में एक चेंज आएगा, चेंज है मार्कअप एंड मार्जिन। ठीक, तो वैसे अभी एमएमए पढ़ चुके हैं मार्कअप एंड मार्जिन ना, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप प्रॉफिट परसेंटेज होती है, और मार्जिन वो भी प्रॉफिट परसेंटेज होती है। क्या डिफरेंस होता है? सेल्स पे होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 27, तो ये सेल्स है हमारी 10,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सीओजीएस कर दें, प्रॉफिट कितना होगा? 2,000। अच्छा, ये कुछ वैल्यूज हैं। सेल्स हमने की 10,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी हमारी 8,000, प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000। अच्छा, अगर हमें इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करके बताएं तो क्या कैलकुलेशन हो? यदि आप कह रहे हैं 2,000 को डिवाइड करें 10,000 से, यानी कि 2,000 क्या प्रॉफिट है, डिवाइड करें सेल से और हाँ मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, ठीक, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? 20%। तो भी 20% किसका? सेल्स का, कॉस्ट का, 20% ऑन सेल्स है ना। ये तो हो गया 20% सेल्स। कोई और ऑल्टरनेट इसका, दूसरा ऑप्शन कोई? क्या होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो प्रॉफिट कितना है? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8,000, कितना आ रहे हैं? ये आएगा 25% ऑन। अब ये 25% किसका है? कॉस्ट का। ठीक है, क्लियर है दोस्त सबको? सही है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के ना। अच्छा, ये है प्रॉफिट ऑन सेल्स और ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसे क्या कहेंगे? ये जो प्रॉफिट ऑन सेल्स आया इसको कहते हैं मार्जिन, और जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ये कहलाएगा मार्क। चीज तो क्लियर है? मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पर अब एक कैलकुलेशन है इससे से रिलेटेड, मार्कअप मार्जिन से, वो समझ लें फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वो यूज भी होंगे। कि यहाँ पे हम बात करते हैं, आपके पास सपोज करें कि प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है? 2,000। 2,000 प्रॉफिट है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है और सेल्स आपको फाइंड करनी है। और एक चीज और ऐड कर देते हैं कि मार्जिन की बात हो रही है ना, प्रॉफिट और मार्जिन कितना है? प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ये हमने कैलकुलेट किया ना 20%, इसी को यूज करते हैं ताकि वैल्यूज हमारे आंसर टैली हो जाए। अब बताएं क्या कैलकुलेशन होगी? प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन कितना है हमारा? 20% है। सेल्स फाइंड करनी है और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स की कैलकुलेशन क्या होगी? 2,000 को डिवाइड कराएं 20 से, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। जी, क्या ख्याल है? ये कह रहे हैं 2,000 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड, डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 20 से। जी, क्या ख्याल है? एवरीवन क्लियर हो? एवरीवन क्लियर हो गया? बताओ।
15 हो गया, 16 बैठ गया क्या? अच्छा इसमें ठीक है, तो सेल्स कितनी आएंगी हमारे पास? 10,000 आ जाएंगी सेल्स, ठीक है। कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन क्या होगी? नहीं, 2,000 ये दिया, इसी से निकालना है अब, ये तो समझाना है। नहीं माइनस नहीं करना, सेल्स हमें नहीं पता। सपोज सेल्स मालूम नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट। 2,000 से आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, यानी कि 8,000 आंसर आएगा ना। अच्छा बाय जी, एक आंसर आया, बाकी बताएं अब क्या करेंगे। हाँ अब ये होगा डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये तो भाई, तो अच्छा ये गिवन की जरूरत है ना, मार्जिन है ना, मार्जिन में पता है आपको सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट 80 हो जाएगी ना, ये तो पता है ना। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, मार्कअप है, प्रॉफिट वही आपका कितना, टू इसमें कितना हुआ, 2,000 है। अब मार्कअप हमने कैलकुलेट कर लिया 25%। अब हमें अगर सेल्स फाइंड करनी हो क्या कैलकुलेशन, 2,000 मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड और डिवाइड। जी क्या ख्याल है आप? पता नहीं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, डिवाइड करेंगे 25, सेल्स आएंगे आपके पास 10,000। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी हो तो हम बताएं 2,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 8,000। ये क्या हुआ, नहीं समझ आया? सही, अब ये समझ लें जरा, ठीक है। इसमें याद रखें, ये तो आपको पता है मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट 80% होगी, ये तो पता है। और मार्कअप में आपको पता है कि, तो यही लिख दो, मिक्स हो रहा है साथ। और मार्कअप में आपको मालूम है कि कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 25 है तो सेल्स 125 हो जाएगी, ये तो पता है ना। ये चीजें याद रख लें, ये समझाता था ये क्या हो। लेकिन इसका आसान तरीका इसको याद रखने का, कि किसी भी वैल्यू से कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे, कि जो वैल्यू आपको, जो चीज आपको फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, और जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर। लेकिन सेल्स फाइंड करनी थी तो हमने मार्जिन में सेल्स की परसेंटेज 100 होती है, 100 से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 20, 20 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट सेल्स आ। अच्छा कॉस्ट फाइंड करनी थी तो मार्जिन में कॉस्ट कितनी होगी, 80%, 80 से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट गिवन था 20%, 20 से डिवाइड, 8,000 डायरेक्ट। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से ये मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड। यहाँ पे आ जाएं, मार्कअप में अब कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 125 है तो सेल्स 125 हो जाएगी, 125 से मल्टीप्लाई किया, और प्रॉफिट गिवन है 25%, 25 से डिवाइड। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, डायरेक्ट आंसर।
अच्छा, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट गिवन था 25%, 25 से डिवाइड कर डायरेक्ट कॉस्ट वाले। तो ये करना, ये पॉइंट याद रखें, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें, तो आप किसी भी वैल्यू से डायरेक्ट कोई भी वैल्यू फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लें, अब ये कॉपी कर लें, कॉपी कर लें, कॉपी। क्या होता है, सेल्स हमेशा 100% होगी, प्रॉफिट, हाँ मार्जिन, प्रॉफिट यहाँ कितना हमने निकाला होगा 20%, कॉस्ट कितनी होगी 80%, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। मार्कअप में क्या होता है, कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट हमने यहाँ कैलकुलेट किया था ऊपर 25%, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बनता है सेल, तो ये हो जाएगा 125। ठीक सीधा है ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है, ठीक है। तो ये चीज ये इस तरह से आया। है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, पेरी इज अ रिटेलर, ही अप्लाइज अ ग्रॉस मार्कअप ऑफ 60% ऑन कॉस्ट टू एस्टैब्लिश हिज सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये दिया 60% ऑन कॉस्ट, मतलब मार्कअप है ना। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर जस्ट एंडेड हिज सेल्स वर 2,24,000, व्हाट वाज हिज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा इसमें क्या मार्कअप दिया हुआ है 60%, हाँ कठिन। मार्कअप में, अच्छा मार्कअप दिया हुआ है 60%, तो मार्कअप में क्या होता है, कॉस्ट 100% होती है, प्रॉफिट 60% है, तो सेल्स 160% हो जाएगी ना। ठीक परसेंट है, अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट तो गिवन क्या है, सेल्स गिवन है। ठीक है, अब सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो वही रूल मैंने बताया, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट की परसेंटेज से और डिवाइड करेंगे सेल्स की परसेंटेज से। देखिए, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। 48, 84, 84 ट्रैफिक 84,000 आ जाएगा ग्रॉस ट्रैफिक। प्रॉफिट। ठीक है, टॉपिक दे दिए, टॉपिक कर लें। नंबर 14, इसमें बिजनेस यूजुअली हैज मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर इट्स सेल्स वर 90,000, व्हाट वाज कॉस्ट ऑफ सेल।
मार्कअप है, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 20%, तो सेल्स 120%, मार्कअप है। तो मार्कअप इसमें गिवन क्या है आपको, सेल्स गिवन है, कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स कितनी है, 90,000, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से, कॉस्ट है 100% और सेल्स 120%, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, कितनी आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स, आंसर बता दें इसका, 25 75,000। ठीक कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, बिजनेस मार्कअप इट्स प्रो गुड्स बाय 60%, सेल्स आर 2 लाख फॉर द ईयर, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। मार्कअप है इसमें भी, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 60%, सेल्स 160%, फाइन क्या करना है इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स कितनी इसने गिवन किया हमें, सेल्स क्या नहीं है, सेल्स गिवन है 2 लाख। प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट की परसेंटेज 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेल्स गिवन है तो सेल्स की परसेंटेज 160 से डिवाइड करते हैं। ना 75,000, 75,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके 16 करते हैं, अभी बाद में करेंगे आप। 16, 16 है फियोना चार्जेस अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, सो ड्यूरिंग द ईयर शी मेड परचेज ऑफ 4,90,000, सेल्स ऑफ 663,000, ओपनिंग इन्वेंटरीज 37, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। अच्छा पहले दे लिख लें इसमें क्या मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 30%, सेल्स 130%। अच्छा इसमें फाइन क्या करना है हमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, सेल्स है, तो इसमें हम देखें यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेजेस, और परचेज का ऐड करके क्या आता है, गुड्स अवेलेबल अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम फिर लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ना ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट, जरा लाइंस ड्रॉ करता हूँ ताकि बेहतर समझ आ जाएगा आपको। लाइन हो गया इसके बाद ये, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन से हम अपनी क्लोथिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्लोथिंग स्टॉक फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 37,000, परचेजेस 4,90,000, ऐड करें दोनों को 527, और अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक चाहिए हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो देखिए अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें फाइंड हो जाए तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमें देखिए सेल्स गिवन है, सेल्स कितनी है, 663,000, सेल्स से हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, कॉस्ट से मल्टी कॉस्ट कितनी 100%, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेल्स है 130%, 130 से डिवाइड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताएं 5,
5,10,000, 5,10,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, इसको यहाँ पुट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब क्या करें, अब ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 5,20,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 17,000। सोलो या क्या सोलो हुआ? आसान हाँ है सर, आसान है सर, हाँ इसी टॉपिक ये आ गया आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। सही आप मजा आ गया था। कॉपी कर लें, मैं वैसे नंबर 17 17 है। बिजनेस मेक्स अ मार्जिन, 30% मार्जिन ऑन इट सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000, परचेजेस 180,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल शेयर जिसमें मार्जिन है। तो मार्जिन में सेल्स 700 100% होती है, प्रॉफिट 30% परसेंट है, तो कॉस्ट कॉस्ट हो जाएगी 70 या 130, सेवेंटी 70%। इसमें फाइन क्या करना, वही क्लोथिंग इन्वेंट्री फाइन करनी है, सेल्स परचेज तो सेम वही कैलकुलेशन होगी जो क्वेश्चन 16 में थी, इसका फॉर्मेट यहाँ से कॉपी। सेल्स थोड़ी मालूम करनी, क्लोथिंग इन्वेंट्री, अच्छा इधर सेल, ठीक है। ठीक हाँ मैं सेल्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हमें है। पहले देखें कॉस्ट चाहिए होगी ना, कॉस्ट चाहिए या प्रॉफिट चाहिए होगा, तो इसी वर्किंग से अब हम ये कॉस्ट फाइंड करेंगे पहले। ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, 40,000, सही परचेजेस 180,000, ऐड कर देते हैं 220, इसके सही बाद क्लोथिंग स्टॉक है 10,000, माइनस करेंगे तो सही 210,000 आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सेल्स फाइंड कर लेंगे हम, 210,000 मल्टीप्लाई करेंगे, सेल्स 100% है और कॉस्ट 70%, सही अंतर बता दें 3 लाख। ये सेल्स हो गई आपकी 3 लाख आ जाएंगी सेल्स, ओके कॉपी कर लें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, बिजनेस मेक सेल्स विद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%, अप्रैल 1 स्टॉक दिया हुआ है आपको, ओपनिंग क्लोथिंग स्टॉक है और सेल्स है, फाइंड क्या करना है, परचेजेस सेम यही कैलकुलेशन यूज होगी, फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं ऐसे, मार्कअप सही मार्जिन क्या दिया हुआ आपको ये लिख लेते हैं। इसमें मार्जिन है 30%, तो मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 30%, कॉस्ट 70% होते हैं। ओके अब हमें फाइन क्या करना है, परचेजेस फाइन करनी, ठीक है परचेजेस फाइन कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,600, क्लोजिंग स्टॉक 3,800 माइनस, अब हमें चाहिए होंगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स हमें गिवन है 80,800, कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 कर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएंगी कितनी आ रही है, 5,650। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 5,650, रिवर्स कैलकुलेशन होगी, 5,650 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें,
6 0 3 6 0 6 0 3 6 0, और अब इसमें से ये ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो परचेजेस आ जाएंगी ना। 6 0 3 6 0 से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, परचेज कितनी आ गई? 5 7 7 7 6 0, ये हो गई आपकी परचेज। कॉपी कर रहे हैं, जी क्वेश्चन नंबर 19। ओके, यहां से आप टॉपिक है, फिर एक चेंज आएगा, इसको रीड कर लें। 19, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th October 2006 अ फायर डिस्ट्रॉयड द एंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ऑफ अ सुपर स्टोर, फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। सेल रहे फॉर जनवरी टू 9th October, इन्वेंट्री है 1st January, परचेज 1st January टू 9 October, मार्कअप दिया हुआ है। अच्छा, अब ये 1st January से 9 October तक का डेटा है, क्योंकि 10th को आग लग गई, सारा स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हो। फाइन क्या करना है? एस्टिमेटेड लॉस। ठीक, क्या कैलकुलेशन होगी, क्या ख्याल है? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, सेल्स दी हुई है, मार्कअप दिया हुआ है, फाइन क्या करना है? लॉस कितना, क्या लिखा है? फायर डिस्ट्रॉयड एंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी कि उस दिन जो भी स्टॉक था वो सब जल गया। तो 10th October का हमें स्टॉक कैलकुलेट करना होगा ना, 10th October को कितना स्टॉक था, वही लॉस हो जाएगा। तब देखिए, इसमें 1st January का स्टॉक दिया हुआ है 1 लाख, हमें चाहिए 10th October का स्टॉक। तो अगर ये 1st January का स्टॉक, ये तो ओपनिंग हो गया, और 10th October वाले को हम क्लोजिंग सपोज कर लें, तो यानी कि इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे, वो इक्वल हो जाएगा लॉस। ठीक है, इसमें यही करना है, ये वाली सेम वर्किंग यूज होगी, ये वर्किंग से हम ये लॉस कैलकुलेट कर सकते। पहले तो लिख लें मार्कअप मार्जिन है तो परसेंटेज लिख लें, मार्कअप है तो मार्कअप में कॉस्ट 100% होगी, प्रॉफिट 20%, सेल्स 120%। अब ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, इसी फॉर्मेट से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, फाइंड क्या करना है हमें? क्लोजिंग स्टॉक जो कि इक्वल होगा लॉस के। ओपनिंग स्टॉक या 1st January के स्टॉक है 1 लाख, परचेजेस 6 लाख 30 थाउजेंड, टोटल कर लेते हैं 7 लाख 30 थाउजेंड। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे सेल्स, सेल्स कितनी है? 7 लाख 30 थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, 6 लाख आ गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 6 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1 लाख 30 थाउजेंड, और यही हमारा लॉस होगा कि उसने क्या लिखा है कि डिस्ट्रॉयड इंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी कि 10th October को जो स्टॉक था वो सब सब चल गया, ये आपका लॉस हो जाएगा 1 लाख 30 थाउजेंड का। जी हाँ, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, अब देखिए 20 सेम क्वेश्चन है, 20 ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेज है, सेल्स, तो 20 तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व होमवर्क। 21 होमवर्क ओके, घर जो कम ठीक है, 20 भी सेम है, 21
जो डिफरेंट है वो करवा दूंगा, बाकी आप लोग कर दे। 32 रुपीस है, बस तो कर दे बूस्ट तो। अभी करके दिखा। ठीक है अच्छा, ये तो आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह के। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लो 23 रीड कर लें। तो इसमें क्या, फायर ऑन 30 सितंबर डिस्ट्रॉयड, अभी क्या सम ऑफ कंपनीज इन्वेंट्री, पिछले में क्या था ऑल स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया था, इसमें क्या सम ऑफ कंपनीज इन्वेंट्री एंड इट्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड। सही, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, 1 सितंबर ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल्स परचेज इन्वेंट्री इन गुड कंडीशन 30 सितंबर, तो इसमें क्या रहा सम स्टॉक आपका डिस्ट्रॉय हुआ था इसलिए कुछ स्टॉक बच भी ठीक गया। बाकी ये दिया हुआ, है लॉस फाइन करना है कितना हुआ, ये करते हैं सॉल्व। 23 पहले तो लिख लें, इसमें मार्कअप है, मार्जिन है, स्टैंडर्ड ऑन सेल्स है ना, मार्जिन हुआ, मार्जिन में सेल्स 100%, प्रॉफिट कितना है 25%, कॉस्ट 75%। कैलकुलेशन देखिए, इसमें हमें पहले वही करना है, कैलकुलेशन वही होगी सेम, क्लोथिंग स्टॉक फाइंड करेंगे पहले कि टोटल स्टॉक कितना होना चाहिए, और उसमें से फिर जो ये गुड कंडीशन है माइनस कर देंगे तो लॉस पता चल जाए, यही फॉर्मेट यूज होगा, इसको कॉपी कर लेते। ओके इसमें हम पहले फाइंड करते हैं क्लोथिंग स्टॉक, उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका लॉस। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,18,000, परचेजेस 4,12,000, दोनों को ऐड कर लें 7,30,000। क्लोथिंग स्टॉक के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होगी, कॉस्ट के लिए सेल्स कितनी है 6,12,000, मल्टीप्लाई करेंगे 7,500 डिवाइड 100, आंसर बता दें कॉस्ट आगे कितनी। सिक्स लाख क्या रहा? आठ लाख गया 6 लाख से कम आया, 4 लाख भी नहीं होगा। 4,59,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। ठीक है, अब ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 7,30,000, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 2,71,000। चाहिए तो क्लोथिंग स्टॉक हुआ ना, अब हमें निकालना है लॉस फाइंड करना है। देखिए टोटल स्टॉक कितना होना चाहिए था, 2,71,000, और इस वक्त गुड कंडीशन में कितना है 2,14,000, ये माइनस कर देंगे लॉस पता चल जाएगा कितना स्टॉक लॉस हुआ, 57,000 का स्टॉक लॉस हो गया, ये इसका आंसर होगा 57,000। कॉपी कर लें, एरर कंडीशन क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन है, ओके रीड कर लें। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यू फॉर द आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मई ना सर, वाज बेस्ड ऑन एन इन्वेंट्री काउंट ऑन 4 जून 2004 विच गेव अ टोटल इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ 8,36,200। अच्छा अब बढ़ देखें, रहे हैं इसका ईयर एंड कब हो रहा है, 2008 को 31 मई को, ठीक है, और इसने इन्वेंट्री काउंट कब की है, 4 जून 4 दिन, या 4 दिन, 4 डेज लेट हो गया। ठीक है, 4 जून का स्टॉक कितना था, 8,36,200। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें देखें क्या लिखे, व्हाट एडजस्टेड फिगर्स शुड बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इन्वेंट्री एट 31 मई। 4 जून का स्टॉक दिया इसने हमें और 31 मई का स्टॉक फाइंड कर, क्योंकि इन्वेंट्री काउंट हमने किया 4 डेज बाद, अब हमें 4 डेज पहले की इन्वेंट्री फाइंड करनी है। ठीक है अच्छा, बाकी इसके अलावा इसने ये 4 डेज की जो ट्रांजेक्शन है बिटवीन 31 मई
एंड फोर्थ जोन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो 4 days में परचेज हमने की है 8,608 की, सेल्स की हमने 14,000 की, सॉरी ये परचेज रिटर्न है 7। ये 4 days की ट्रांजेक्शन है। अब इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरह से आपको करवा देते हैं। हम इसमें एक टाइमलाइन बना के कर सकते हैं और एक कैलकुलेशन। हमें चाहिए बता 31 मई का स्टॉक चाहिए, May 31। और गिवन क्या है हमें 3 जून 4, जून 4 का स्टॉक दिया हुआ है। ये हमें फाइंड करना है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। और ये जून 4 का स्टॉक कितना गिवन है, 8,86,200। पहले काम करते हैं सर, हम 31 मई से चलते हैं 4 जून की तरफ। अब देखिए जो 4 days में हमने परचेज की 8,600 की, ये इसमें एक्स में ऐड हो जाएंगी। 31 मई का जो भी स्टॉक होगा उसमें 4 days की परचेज ऐड होंगी, तो आपके पास 4 जून का स्टॉक आएगा ना। कितना था, 8,000। तभी हमने इन 4 days में जो गुड्स रिटर्न किए हैं, परचेज रिटर्न, ये इसमें से माइनस होंगी। तो इसके बाद हमने ये जो गुड्स सेल की ये माइनस होंगी, तो हमारे पास आएगा ना 4 जून के स्टॉक के पहुंचेंगे। कल हम 31 मई से 4 जून पे जाते। अच्छा, इसमें से सेल्स माइनस कर रहे हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगी क्योंकि स्टॉक हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो और अगर सेल्स रिटर्न होती तो वो ऐड हो जाती है ना। अच्छा, अभी हमारे पास आ जाएगा 4 जून का स्टॉक 8,36,200 यहाँ से लिया। ठीक है, हमने एक इक्वेशन बना ली कि अगर हम 31 मई से 4 जून की तरफ जा रहे हैं तो ये इक्वेशन बनेगी ना। तभी एक मैथ्स की समझ इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्स हमें फाइंड करना है, यानी 31 मई का स्टॉक 200। अभी हमारी एक इक्वेशन बन गई ना, इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सारी वैल्यूज राइट साइड पे चली जाएंगी। बल्कि पहले वैल्यू सपोर्ट कर देते हैं, पीछे 8,600 माइनस परचेज रिटर्न कितने किए हैं 700, और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये हमें फाइंड करना होगी। सेल्स कितनी है 14,000, वर्किंग लिख। और ये मार्जिन दिया हुआ है 30%, तो मार्जिन में सेल्स 100 होती है, कॉस्ट 70। आपके पास आ जाएगा 8,36,000। अभी हो गया 8,600 माइनस 700 माइनस कॉस्ट कितनी है 9,800। ये स्टॉक हो गया 836। एक्स फाइंड करना है, तो सारी वैल्यूज राइट साइड पे ले जाएं। 8,600 राइट पे जाकर माइनस 700 राइट पे जाकर प्लस 9,800 राइट पे जाकर प्लस हो जाएगा। सम कर लें, आपके पास आ जाएगा 8,38,100। 8,38,131 मई का स्टॉक आ गया। अच्छा, इसी को आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आप कैसे करेंगे, जो ये 31 मई का स्टॉक है इसको सपोज कर लें ओपनिंग स्टॉक, और जो 4 जून का स्टॉक है इसको सपोज कर लें क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे भी मैं आपको करवा देता हूँ इस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक लाइन और यहाँ इंसर्ट करना होगी। यहाँ पे हमें एक परचेज रिटर्न आ जाएंगे नहीं, हम यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देते हैं परचेज रिटर्न। अब देखिए हम 31 मई के स्टॉक को सपोज कर लेते हैं एक्स, ये हमें फाइंड करना होगा। और अब ये जो
और जून का स्टॉक इसको हम सपोज कर लेते हैं क्लोजिंग, बाकी वैल्यू स्पॉट कर। परचेज कितनी है? 8,600। परचेज रिटर्न 700। क्लोजिंग स्टॉक 8,36,200। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने कैलकुलेट कर ली 9,000। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ऐड करके बताएं टोटल क्या बन रहे हैं। एट 846,000। अब इसमें से ये लाख 700 ऐड हो जाएंगे और 8,600 लेस होंगे। रिवर्स में साइन चेंज हो जाते हैं ना। 838,100 आपके पास आ गया आंसर। सही, सेम आ रहे हैं। कॉपी कर, हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों आप कॉपी कर लें, आंसर सेम आए। ठीक है।